स्वागत है आपका मेरी मैथमेटिक्स की क्लास में। मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस बाय टीयर। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के एनसीईआरटी पैटर्न के एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियो में इस एक्सरसाइज के कई क्वेश्चन हमने किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर वो वीडियो को देख सकते हैं। आज हम इस एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ सेक्शन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। चलिए 2x को x में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। 2x को 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 6x। 1 को x में करेंगे तो माइनस का 1x, और माइनस के 1 को माइनस में 3 में करेंगे तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। ऐसे इधर करेंगे, x को x में करेंगे तो x स्क्वायर, x को 1 में करेंगे तो 1x, 5 को x में करेंगे तो 5x, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 2x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 1x माइनस का 7x हो जाएगा, प्लस का 3 इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस का 1x और प्लस का 5x जब जोड़ेगा तो ये प्लस का 4x हो जाएगा माइनस 5। अब हम क्या करेंगे, इसको उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, और जब ये पॉजिटिव है उधर जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 7x। ये पॉजिटिव है इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा 4x, प्लस का 3x, और जब ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 5 इक्वल्स टू 0। 2x स्क्वायर में x स्क्वायर गया, x स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 7x और माइनस का 4x, ये हो जाएगा माइनस का 11x, प्लस का 3 और प्लस का 5 ये हो जाएगा 8। आप देख सकते हैं ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गई है। इट मींस जो हमारा ये इक्वेशन दिया हुआ था ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। हमें बताना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, तो चलिए सॉल्व करते हैं। इधर हमें कुछ सॉल्व नहीं करना है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1 इक्वल टू, आप यहाँ पे देख सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 4 और माइनस का 4x, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे x स्क्वायर है और यहाँ पे हमारा x स्क्वायर है, तो ये ऑलरेडी कट जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी इक्वेशन बची है, आप देख कर लेते हैं, 3x प्लस 4x प्लस का 1 माइनस का 4 इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा हमारा 7x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो आप देख सकते हैं कि ये एक लीनियर इक्वेशन बन गई। जब हमने इसको सॉल्व किया तो एक लीनियर इक्वेशन बन गई, और हमें बताना था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, तो आप देख सकते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। चलिए नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। हमें बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, तो सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, तो फॉर्मूला हमारा क्या आता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो 2 का क्यूब करेंगे तो 8 प्लस 3ab इंटू 2 इंटू x ब्रैकेट a प्लस बी, तो x प्लस 2 हो जाएगा इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, जो कि a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है, इक्वल टू 2x को जब हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 2x क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 2x क्यूब हो जाएगा और माइनस का 2x हो जाएगा। चलिए x क्यूब प्लस 8 प्लस 3 इंटू 2 करेंगे तो 6x हो जाएगा, ये x प्लस 2 इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। ओके, नेक्स्ट करेंगे x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर हो जाएगा प्लस
सिक्स एक्स को टू में मल्टीप्लाई करेंगे तो टू ट्वेल्व एक्स हो जाएगा इक्वल टू टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स। ठीक है, अब हम सॉल्व कर लेंगे, इसको इधर लेके आ जाएंगे तो एक्स क्यूब माइनस टू एक्स क्यूब प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स प्लस टू एक्स प्लस एट इक्वल्स टू जीरो। हमारा एक्स क्यूब यहाँ पे था, ये टू एक्स क्यूब इधर आया, पॉजिटिव था या निगेटिव हो गया, सिक्स एक्स स्क्वायर ट्वेल्व एक्स स्क्वायर ये निगेटिव था, इधर आया तो पॉजिटिव हो गया और ये हमारा एट एक्स हो गया। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप जहां पे देखेंगे यहाँ पे हमारा माइनस का एक्स क्यूब प्लस का सिक्स स्क्वायर प्लस का फोर्टीन प्लस का एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में जो हमारी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है वो थ्री है, इट मीन्स ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है। तो आप इस इक्वेशन को हमें बताना है कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं, देखने से ये हमारा क्यूबिक इक्वेशन लग रहा है पर जब हम सॉल्व करेंगे तब देखेंगे कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, ये एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस फोर एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस का एक्स हो जाएगा प्लस वन इक्वल टू, इसमें ए माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा तो वो क्या होता है ए क्यूब यानी एक्स का क्यूब माइनस दो का क्यूब एट हो जाएगा माइनस थ्री इंटू ए इंटू बी ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स क्यूब है, इसको हम यहाँ से कट कर सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारा हो गया फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का वन माइनस का एट हो जाएगा माइनस थ्री टू जो सिक्स इंटू एक्स सिक्स एक्स हो जाएगा एक्स माइनस टू हो जाएगा। चलिए माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन माइनस एट, सिक्स एक्स में इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्स एक्स स्क्वायर और ये माइनस इसको पॉजिटिव कर देगा तो पॉजिटिव ट्वेल्व एक्स हो जाएगा। अब हम इसको इधर लेकर जाएंगे तो जो ये हमारा निगेटिव सिक्स एक्स स्क्वायर है ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा सिक्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस का फोर एक्स माइनस का एक्स हो जाएगा ये, और ये वाला जो हमारा जाएगा प्लस है इधर आएगा तो ये माइनस ट्वेल्व एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस का वन है यहाँ माइनस का एट है, इधर आएगा तो प्लस का एट हो जाएगा जीरो हो जाएगा। सिक्स एक्स स्क्वायर में फोर एक्स स्क्वायर जाएगा तो टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस का एक्स और माइनस का ट्वेल्व ये माइनस का थर्टीन एक्स हो जाएगा और प्लस नाइन इक्वल्स टू जीरो। आप देख सकते हैं ये हमारी स्टैंडर्ड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उस फॉर्म में है, इट मीन्स गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं, क्वेश्चन सेकंड में हमें कुछ कंडीशंस दी गई है, इन्हें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है। हमारा पहला क्वेश्चन है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट इज 5 टू 8, एरिया हमें कितना दिया गया है 528 मीटर स्क्वायर। ओके, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। चलिए हम लेट कर लेते हैं कि जो ब्रेथ है हमारी वो क्या है एक्स है, तो हमारी लेंथ क्या हो जाएगी 2x प्लस 1, क्योंकि जो हमारी लेंथ थी वो ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज्यादा थी। तो चलिए हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, ये हमें कितना दिया हुआ है 5 टू 8, ब्रेथ हमारा क्या है x और हमारा लेंथ क्या दिया हुआ है 2x प्लस 1। इसे सॉल्व कर लेते हैं, 5 टू 8 इक्वल टू x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएंगे प्लस x हो जाएगा। अब इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं 2x x स्क्वायर प्लस x माइनस का 4 5 टू 8 इक्वल टू जीरो। तो जो हमारी गिवन कंडीशन थी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में
क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हम लेंथ और ब्रेथ निकाल सकते हैं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है ये हम आगे के में सीखेंगे कि कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन है हमारा, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। तो जो हमारे क्रमागत नंबर है उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है 306। तो मान लीजिए हमारा पहला जो इंटीजर है, फर्स्ट इंटीजर हमारा क्या है x है, तो हमारा सेकंड क्या हो जाएगा x प्लस 1, और इनका प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, प्रोडक्ट इसका दिया हुआ है 306। इट मीन्स अगर हम इसे इक्वेशन करेंगे तो x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 306, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 306। यहाँ से हम निकालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306। आप देख सकते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में होगी, क्योंकि हमारे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका स्टैंडर्ड क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हमारा एक्स के साथ में है, इट मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। चलिए मान लीजिए लेट रोहन एज क्या है एक्स, ये प्रेजेंट एज की बात हो रही, रोहन्स की जो प्रेजेंट एज है आप देख लीजिए, रोहन्स प्रेजेंट एज इक्वल टू एक्स, तो उसकी मदर की एज क्या हो जाएगी x प्लस 26 हो जाएगी, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में कह रहा है कि जो रोहन की प्रेजेंट एज है और उसकी मदर की जो प्रेजेंट एज है वो रोहन की एज के 26 जा रहा है। चलिए नेक्स्ट आगे क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर विल बी 360। बोला है 3 साल बाद जो उनकी एज का जो प्रोडक्ट होगा वो 360 होगा। तो अभी ये प्रेजेंट एज है तो 3 साल बाद एज क्या हो जाएगी, रोहन की क्या हो जाएगी, रोहन की हो जाएगी x प्लस 3 और उसकी मदर की कितनी हो जाएगी x प्लस 26 प्लस 3 इटमीन्स x प्लस 29। और बोल रहा है इन दोनों का प्रोडक्ट कितने के बराबर है, तो x प्लस 3 और x प्लस 29 ये बराबर है 360 के। क्वेश्चन में कह रहा है इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 360 के इक्वल है। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं, x को x में करेंगे तो x स्क्वायर, x को 29 में 29x, 3 को करेंगे तो 3x हो जाएगा, और 3 को 29 में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7 और ये हमारा जाएगा 8 इक्वल टू 360 हो जाएगा। ठीक है, x को इसमें किया x स्क्वायर, x को 29 में किया 29x, 3 को x में किया 3x, 3x को 29 में किया 87 इक्वल टू 360 हमें दिया हुआ है। चलिए ये हो जाएगा x स्क्वायर, 29 और 3 ये 32 हो जाएगा प्लस 87, इस 360 को हम इधर लेकर आ जाएंगे तो माइनस का 360 इक्वल टू 0 हो जाएगा। चलिए x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 32x है, 32x इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 273 0, देख सकते हैं ये हो जाएगा। ओके तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 270 इक्वल टू 0, 360 में सॉरी यहाँ पे माइनस करेगा क्योंकि हमारा 360 माइनस का जो 360 वो बड़ा है इसलिए माइनस का 273 हो जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गई और हमें यही करना था, इस कंडीशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। चलिए नेक्स्ट, चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इसमें कंजूस कंटेंट आपको अच्छा लगा, आपको इससे आपकी स्टडीज में अगर आपको हेल्प मिल रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच पाए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको डेली ऐसे वीडियोस मिलते रहें जो कि आपके स्टडीज में यूजफुल हैं।
बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को जल्दी से जल्दी देखकर अपने स्टडीज को अच्छा कर सकें। अगर आपने क्लास 10th में हैं और आपको मैथमेटिक्स में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चन को डाल सकते हैं, कमेंट करके मुझको पूछ सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन का प्रॉब्लम है, मैं तुरंत ही उस क्वेश्चन को सोल्यूशन आपको दूंगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी प्रिपरेशन होती है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच।